नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि राज और आज के इस विशेष शो में हम बात करेंगे 2019 के बजट की। इस चुनावी साल में कई कयासों और अटकलों के बीच कल 1 फरवरी को मोदी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया गया। दर्शकों को बता दूं कि चुनावी साल होने की वजह से सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है। मोदी सरकार काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बजट लाई है, जो लोगों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तोहफा साबित हो सकता है। इस कार्यक्रम में कल के बजट सत्र की चर्चा करेंगे और सटीक आंकड़ों के जरिए बजट को सरल तरीके से समझेंगे। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स और विभिन्न वर्गों के लोगों के राय जानेंगे, लोगों से बात करके जनता के रग को जानेंगे कि वो बजट को किस नज़रिए से देखते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे बजट के बारे में, बजट से आम लोगों पर हुए असर के बारे में। इसके बाद नज़र डालेंगे कुछ तथ्यात्मक आंकड़ों पर। स्क्रीन में आप साथ ही साथ आंकड़े और डेटा नज़र आएंगे आपको। आखिर में राजस्व और बजट से प्रभावित हुए चुनावी समीकरणों की बात करेंगे कि अंतरिम बजट मोदी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है या नहीं। अंतरिम बजट में आम जनता का ध्यान रखा गया है। मध्यम वर्ग, किसान, श्रमिक, कामगार सभी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए सरकार ने 5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। पीयूष गोयल ने वेतनभोगी, पेंशनर, छोटे व्यापारी और खुद का व्यवसाय करने वाले करीब 3 करोड़ मध्यम वर्गीय करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपए की बड़ी राहत देते हुए उनकी 5 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया है। फिलहाल इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे करदाताओं को करीब 13,000 रुपए तक का लाभ होने का अनुमान है। हालांकि ये कंडीशन यह भी है कि अगर सालाना आय 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा होती है तो पुराने टैक्स के नियम लागू हो जाएंगे। स्क्रीन पर आप साथ साथ महत्वपूर्ण आंकड़े और डेटा देख सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा कदम देश के अन्नदाता किसानों के लिए लिया गया है। 2 हेक्टेयर तक की जोत यानी 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक की नकद समर्थन देने की पेशकश की गई है। अनुमान है कि इस योजना का लाभ देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये का सालाना बजट तैयार किया है। 75,000 करोड़ रुपये सालाना बजट की मदद राशि सरकार ने किसानों के लिए तैयार की है, जो सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू मानी जाएगी। तीसरा, इस बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन योजना तय की गई है और इसे मेगा पेंशन योजना का नाम दिया गया है। मेगा पेंशन योजना किसानों और श्रमिकों को मिला दिया जाए तो इसके जरिए कुल 42 करोड़ लोगों तक सीधा लाभ पहुँचने का लक्ष्य है। 42 करोड़ लोगों तक। गौ माता पर मोदी सरकार का ध्यान गया है। चौथे फैसले में सरकार ने गाय पालन बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु योजना का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन के कर्ज में 2% छूट देने की घोषणा की है। पांचवें बड़े फैसले में गाँवों के डिजिटलाइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ, गाँव जहाँ 1 लाख डिजिटल गाँव बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बताइए, स्मार्ट सिटी का पता नहीं अब डिजिटल गाँव। खैर, इस बजट में महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कदम उठाया है। स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ LPG कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए मातृवंदना योजना लागू की गई है, जो सराहनीय है। अब बात करते हैं श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, जिसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कामगारों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिकों एवं मजदूरों के लिए होगा। इसमें हर महीने 55 रुपये जमा कराने होंगे, जिसमें सरकार भी 55 रुपये का अंशदान देगी। 29 वर्ष के कामगारों को 100 रुपये जमा कराने होंगे और सरकार की भी बराबर की भागीदारी रहेगी। बात करें अगर रक्षा बजट की, तो इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का तय किया गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है। इन सभी के अलावा सरकार ने होम लोन, एजुकेशन लोन में भी छूट की घोषणा की है। स्टैंडर्ड डेडुकेशन यानी मानक कटौती दर 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये तय कर दी गई है। होम लोन के ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान किया गया है। और NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में 5,000 रुपये तक के निवेश पर छूट दी गई है। अगर राजनीति को दूर रखा जाए तो यह बजट ऐतिहासिक और प्रशंसनीय है।
हालांकि यह अंतरिम बजट है, मगर इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। कुल मिलाकर यह इंडिया नहीं, कृषि प्रधान देश भारत का बजट है। अब बात करते हैं राजनीतिक समीकरणों की, तो निश्चित ही यह मोदी सरकार की एक स्वार्थी बजट योजना है, जिसका लाभ आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलने के आसार हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह बजट वाकई में रोड मैप के रूप में कारगर साबित होती है, या कागजों में सिमट कर जुमला भर रह जाती है। बजट के प्रभाव पर एक नज़र डालते हैं, आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख सकते हो। 5 लाख की आय तक टैक्स पर छूट देने पर सरकार को हर साल 18,500 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ आएगा। किसानों और श्रमिकों की योजना की वजह से वित्तीय घाटा बढ़कर 3.4% हो सकता है, जो अभी 3.1% है। सारी परियोजनाओं के लिए धन जुटाना एक कड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। बात करेंगे खामियों की, बजट की तारीफ तो कर ली, कुछ खामियां भी गिनाना जरूरी है। तो शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन के ब्याज दरों में छूट के अलावा कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया गया है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से किसान की लिस्ट ली जाएगी और 6,000 रुपये के वितरण वाली योजना के बंदरबांट होने की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण, रेलवे बजट के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया, हालांकि रेल मंत्री भी पीयूष गोयल ही हैं और उन्होंने दावा किया कि भारतीय रेल अब घाटे में नहीं जाएगी। साथ ही रेलवे पर 1,58,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च करने की योजना है। पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे के विकास के लिए 58,166 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर बाजार पिछले दिनों से छलांगे मार रहा है। बजट सत्र के बाद तक सेंसेक्स में 212 अंकों की तेजी दर्ज की गई। कुल 36 घंटों में ही शेयर बाजार में 877 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं चुनावी समीकरणों की। चूंकि लोकसभा चुनाव में केवल 2 महीने रह गए, तो अंतरिम बजट मोदी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कुछ महीनों से ही सत्ताधारी पार्टी बैकफुट पर चल रही थी, किसानों और सवर्णों में उनके प्रति रोष था, जिसका खामियाजा भाजपा को 3 राज्यों को गंवाकर भुगतना पड़ा। इसके बाद सवर्णों को 10% आरक्षण देकर और बजट में मध्य वर्ग समेत किसानों को सौगात देकर भाजपा सरकार ने सियासी भूचाल ला दिया है, जिसका प्रमाण बजट सत्र के दौरान विपक्ष के उतरे हुए चेहरे देखकर मिलता है। एक नज़र आंकड़ों पर भी डालते हैं। भारत में कुल 90 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें 58 से 60 करोड़ वोटर्स को सीधा लाभ पहुंचाकर उन्हें साधने की कोशिश की गई है। 3 करोड़ मध्यम वर्ग को, जबकि 42 करोड़ श्रमिक, मजदूर और किसानों को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। भारत की 68% जनता ग्रामीण है, इसलिए भारत ग्रामीण प्रधान देश है। ये भाजपा सरकार का लक्ष्य इन वोटरों को सुरक्षित करने का हो सकता है। अगर सीटों के गणित को देखें, तो कुल लोकसभा के 543 सीटों में 435 सीटों पर ग्रामीण आबादी 50% से भी ज़्यादा है। चलिए जनता के बीच जानकर विभिन्न वर्गों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं। चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है, इससे मध्यम वर्गीय से लेकर व्यापारियों तक को फ़ायदा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि आम व्यापारियों का इस पर क्या कहना है। सर, कल अंतरिम बजट आया, तो इस पर आपकी क्या राय है? कल का जो बजट देखा हमने टीवी पर देखा, तो उससे जो हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनकी हमारी आय बहुत ही कम है, और आप देख पा रहे हैं कि हम कैसे फुटपाथ पर बैठ करके अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। तो पहले की बजट और कल का बजट में ये अंतर आया है कि कल जो है कि मोदी जी ने जो है कि सभी वर्गों को खुश किया है, चाहे वो गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्गीय वर्ग हो, या उच्च श्रेणी वाले वर्ग हो, किसान हो या मजदूर हो, ठेले वाले हो, कोई भी रेली पटरी वाले हो, सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं इस बजट से बहुत खुश हूँ, और मोदी जी ने जो बजट दिया है वो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। उन्होंने जो जो सुविधाएँ दी है, वो सुविधाओं के लिए हम लोग कई वर्षों से अपेक्षित थे, मगर इस बार 2019 में मोदी जी ने जो बजट दे करके हम लोगों सबको खुश कर दिया। तो आई वांट टू से आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड आई कॉन्ग्रेट मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। सरकार ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला तो किसानों के लिए राहत दी गई है, जो मध्यम वर्गीय किसान है, जिसको 5 एकड़ तक की जमीन है या 2 हेक्टेयर है, उसको 6,000 रुपया प्रति वर्ष के दर से उसके खाते में पैसा भेजा जाएगा, जो कि 3 टर्म में होगा। ये एक राहत भरी बात है, संसदीय इतिहास में ये पहली बार सरकार ने किसानों को राहत दी है। तो एक तरह से माना जाए तो अंतरिम बजट सरकार के लिए, हालांकि चुनावी साल है, इसको
भी ध्यान में रखते हुए ये अच्छा बजट है। दूसरी बात है कि 5 लाख रुपये इनकम जिस व्यक्ति को है उसके लिए राहत भरी बात है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसका कि 2.5 लाख रुपया पहले तय था, उसके बाद टैक्स लगा करता था, तो अब 5 लाख रुपये तक पड़ोसी देशों को देखते हुए कि पड़ोसी देशों ने रक्षा बजट में काफ़ी वृद्धि की है, उस हिसाब से सरकार ने भी अपने रक्षा बजट में देश की सुरक्षा को हित में रखते हुए रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की है। इस तरह से कहा जाए तो अंतरिम बजट सरकार ने जो दी है वो अच्छा बजट माना जाएगा। जनता में इसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है, लोग इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, जनता ये भी मानती है कि यह एक बजट चुनावी ट्रंप कार्ड है। राजनीतिक बयानबाजियां चलती रहेंगी, कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। आज भाजपा बजट के जरिए चुनावी कार्ड खेल चुकी है। वहीं पीछे जाकर अगर देखा जाए तो 2009 में यूपीए ने मनरेगा का चुनावी लाभ उठाया था, तो ये चलता रहता है। बजट एक आर्थिक मामला है, देश के खर्चे का ब्लूप्रिंट है, खाका भी इसे कह सकते हैं, और लेखा जोखा, जिसमें राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी और बजट पर आपका ज्ञान भी बढ़ा होगा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल क्रूडलेस नॉलेज। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप सोशल मीडिया से हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।